नमस्कार दोस्तों, मेरे कायदे भान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मुस्लिम समाज में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके जो सक्सेसर होते हैं, लीगल हेयर्स होते हैं, उनको उस मयत व्यक्ति की प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या दी जाती है, इसके बारे में मुस्लिम लॉ में जो भी प्रोविजंस है उसको आज हम देखते हैं। तो सोच लो, घर का एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसकी अगर मौत हो जाती है और उसने कुछ प्रॉपर्टी पीछे छोड़ी है, तो इस प्रॉपर्टी का उसके हेयर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा, वो प्रोविजन इस तरह है। सबसे पहले जिस भी इंसान की डेथ हुई है उसने जो भी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ी है, उस प्रॉपर्टी में से उस इंसान के फ्यूनरल के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो माइनस करने हैं। दूसरा, उस इंसान के ऊपर जो भी डेब्ट था, मतलब कर्जा था किसी का भी, वो सारा कर्जा चुकाना है। ये दो चीज़ें करने के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चेक करना होता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसने कहीं किसी के नाम पे विल मतलब मृत्यु पत्र, उसको हिंदी में या उर्दू में वसीयत बोलते हैं, वसीयत तो लिखी नहीं ना, ये देखना है। अगर वसीयत लिखी है तो मुस्लिम लॉ में वसीयत पर एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो वसीयत लिखने वाला है वो अपनी कुल संपत्ति के 1/3, इतनी ही संपत्ति की वसीयत कर सकता है, 1/3 के ऊपर वसीयत नहीं कर सकता। 1/3 मतलब कितना? 33.33, 100% के 33.33, इतनी ही प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकता है। इसके ऊपर मुस्लिम समाज में वसीयत करने की परमिशन नहीं है। मैं वसीयत का जब अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें वसीयत के बारे में पूरे डिटेलिंग दूंगा। तो वसीयत देखी जाती है, अगर वसीयत है तो वसीयत के हिसाब से जिसको वसीयत में जितना भी दिया है, इस 33.33 मतलब 1/3 का वायलेशन ना होते हुए जो भी वसीयत लिखी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये तीन चीज़ें करने के बाद, मतलब फ्यूनरल एक्सपेंसेस माइनस करो, उसके बाद उसका डेब्ट कर्जा क्लियर करो, तीसरा उसकी वसीयत अगर लीगली बैठती है तो उसके हिसाब से डिस्चार्ज करो, ये तीनों चीज़ें करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उस प्रॉपर्टी का उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मुस्लिम लॉ में लीगल हेयर्स के तीन कैटेगरी बताए हैं। पहली कुरानी हेयर, मतलब शेयरर बोलते हैं। दूसरा रेसिड्यूरीज, ये शेयरर के बाद आते हैं, और ये दोनों भी नहीं है तो तीसरा एक कैटेगरी होता है, वो होता है डिस्टेंट किनरेड। ये तीन कैटेगरी होते हैं। तो ये डिस्टेंट किनरेड तभी आते हैं शेयर में, उनका प्रॉपर्टी में उनका राइट तभी डेवलप होता है जब ये पहली कैटेगरी नहीं है, दूसरी कैटेगरी नहीं है, तो अगर वो है तो ये थर्ड कैटेगरी का राइट डिसीज्ड पर्सन के प्रॉपर्टी में डेवलप नहीं होता। तो जिसको हम शेयरर बोलते हैं या कुरानी खैर बोलते हैं, उसमें होती है वाइफ। जो पर्सन की मौत हो गई है, जिस पर्सन की डेथ हुई है, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद बची हुई प्रॉपर्टी में अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वाइफ को कितना जाएगा? जिस पर्सन की डेथ हुई उस पर्सन के बाल बच्चे नहीं है तो वाइफ को जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 25%, मतलब 100 रुपया बचा है तो 100 रुपये में से 25 रुपये वाइफ को जाएंगे। लेकिन अगर उस बंदे को जिसकी मौत हुई, उस बंदे को अगर बाल बच्चे हैं तो वाइफ को 1/4 नहीं जाएगा, तब जाएगा वाइफ को, इस केस में वाइफ को 1/8। मतलब अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये के 8 हिस्से गिराने हैं, 8 हिस्से में से जो 8वां हिस्सा रहेगा वो वाइफ को जाएगा। वो कितना होता है? अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये का 8वां हिस्सा होता है 12 रुपये 50 पैसे, तो वाइफ का हिस्सा जाएगा 12 रुपये 50 पैसे। अभी वाइफ को ये दोनों में से जो भी क्राइटेरिया में वाइफ बैठती है, अगर बाल बच्चे नहीं तो 1/4 जाएगा, बाल बच्चे है तो 1/8 जाएगा। वाइफ को ये हिस्सा देने के बाद देखा जाता है कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उस पर्सन को पिताजी है क्या, अगर पिताजी है तो उस पिताजी को 1/6 मतलब 100 रुपये में से 100 रुपये के 6 हिस्से गिराए जाएंगे, उसमें से जो एक हिस्सा होता है वो हिस्सा दिया जाता है।
वो कितना बैठेगा, 100 के अगर 6 हिस्से गिराओगे तो वो एक हिस्सा बनता है 16.66, मतलब 100 रुपये अगर है तो उसमें 1/6 हिस्सा बनता है 16 रुपया 66 पैसा, इतना जिस पर्सन की डेथ हुई उसके पिताजी को जाएगा। अब ये वाइफ का शेयर और पिताजी का शेयर देने के बाद जो चीज़ बचता है या जो भी प्रॉपर्टी बचती है उसको बच्चों में बांटा जाता है। अब बच्चों में बांटने के भी अलग अलग रूल्स हैं। उसमें थंब रूल यह है कि बची हुई प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा बनाओगे उसमें बेटा 2 हिस्से उठाएगा, बेटी 1 हिस्सा उठाएगी, ये रूल है। तो जितने भी बेटे हैं बेटियां हैं उस हिसाब से उतने हिस्से बनाए जाएंगे। सोच लो 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो क्या किया जाएगा, बची हुई प्रॉपर्टी का 2 बेटे का मतलब 4 हिस्से उठाएंगे ये, और बेटियां 2 है वो एक एक हिस्सा उठाएंगी, मतलब कितने होंगे उस प्रॉपर्टी के 6 हिस्से करने पड़ेंगे। 6 हिस्से में से पहले 2 हिस्से बड़ा बेटा उठाएगा, दूसरे 2 हिस्से सेकंड बेटा उठाएगा, बाद में जो एक एक हिस्सा बचता है वो बेटियां एक एक हिस्सा उठाएगी, इस तरह से है। और बेटे और बेटियां हैं तो सिर्फ बेटी है और वो एक ही है तो वो सीधा बचे हुए प्रॉपर्टी में 50% उठाएगी, लेकिन एक बेटी नहीं 2 बेटियां हैं उस केस में 1/3, ये 1/3 हिस्सा बेटियों के लिए दिया जाता है। उस 1/3 में फिर बेटियां 50-50 उठाएंगी। तो दोस्तों ये है मुस्लिम लॉ के हिसाब से किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो इस तरह से प्रॉपर्टी का उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये थी जानकारी मुस्लिम लॉ के हिसाब से किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी की किस तरह से लीगल हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके बारे में ये थी जानकारी और लीगल वीडियो। तो दोस्तों की जानकारी के लिए मेरा लीगल चैनल कायदेमान देखते रहिए, और हाँ जिनको मुझसे कानूनी सलाह लेनी है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया है, लेकिन सीधा फ़ोन ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज लिखिए और अपॉइंटमेंट लेके जो भी सलाह चाहिए वो सलाह लीजिए। बाय।